करना, ठीक है, ये वाला डोर हैंडल। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा कि डोर हैंडल किस प्रकार से मार्क कर रहे हैं हम, तो कितना टच हो गया वो चीज़ देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि किस तरह से आप बैक साइड का जजमेंट कर पाएंगे, तो वो मैंने बिल्कुल शूट किया था मोबाइल से। और अभी हम देख सकते हैं, पिछले वीडियो में आप लोग बताए थे कि हम गोप्रो से शूट करने वाले हैं और आपको अलग अलग जगह पर जाके बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको जज करना है। मैंने सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट बताया था कि आप वो वाला पॉइंट लेके आप जज कर सकते हैं, बिल्कुल वो भी ट्रिक सही है और ये ज़्यादातर आपको काम आने वाला है, बट सभी जगह पर वो ट्रिक्स आपको काम नहीं आने वाला है। तो क्या करेंगे हम, इस कैमरा से आपको हम हर एक एंगल का जजमेंट आपको बताएंगे, कौन से एंगल्स पे आपका कौन सा तरीका से आपको जज करना पीछे साइड का, ठीक है। मतलब कार का बैक साइड जजमेंट करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कीजिएगा तभी आप बिल्कुल आप सक्सेस हो पाइएगा। तो दोस्तों, पिछला वीडियो में हम आप लोग को बताए थे कि आपका राइट साइड का डोर हैंडल जो है इससे आपको जजमेंट करना है ये वाला, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक सही है, मतलब 90% ये आपको सक्सेस है, लेकिन हर जगह दोस्तों आप इस चीज़ से आप जज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हर एक बैक साइड के जो है जजमेंट बिल्कुल अलग अलग तरीका का होता है हर बार, ठीक है। कभी आप देख सकते हैं पीछे जो दीवार है बिल्कुल नीचे वाला हाइट में है, जिसके कारण हम बताए थे कि ये वाला आपको लास्ट वाला पोजिशन आपको देखना पड़ेगा। तो कहीं कहीं ज़्यादा रहता है दीवार, ज़्यादा ऊँचा रहता है, ठीक है, तो वो वाला पोजिशन आपको देखना पड़ेगा अलग अलग तरीका से। तो जैसे कि आप कभी कार जो है बिल्कुल इस तरह से तिरछा रहता है तो आपको राइट साइड में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बिल्कुल कभी कार जो है आपका लेफ्ट साइड इस तरह से रहता है तो पीछे वाला जो दीवार है यहाँ वाला दीवार, ठीक है, वो वाला आपको जज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम कार चला के दिखाते हैं हर एक जगह पर, मतलब हर एक एंगल पर किस तरह से जज कर पाते हैं हम। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये वाला मिरर को, ये वाला मिरर को और ये वाला मिरर को आपको अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो फिलहाल अभी मेरा मिरर जो है बिल्कुल एडजस्ट है। और दोस्तों कभी कभी आपको इस प्रकार से भी करके आपको करना पड़ेगा कि पीछे ये वाला जो हाथ है बिल्कुल पीछे रखना है सीट के साइड, और यहाँ पे स्टीयरिंग को पकड़ना इस बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, और यहाँ से इस प्रकार से आपको पीछे की ओर देखना पड़ेगा तभी आप बैक कर पाइएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप ये वाला मिरर और वो वाला मिरर को देख के और सिर्फ डोर हैंडल का रेफरेंस पॉइंट लेके ही आप जज कीजिएगा, वो हमेशा सक्सेस नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो हर एक एंगल मतलब हर एक सिचुएशन में अलग अलग तरीका होता है। तो चलिए हम ट्राई करते हैं, तो फिलहाल एक बार यहीं पर ट्राई कर लेते हैं हम जो चीज़ आप लोग को हम पिछला वीडियो में दिखाए थे। तो सबसे पहले कार को हम आगे किए, फिर से रिवर्स लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल पीछे जा रहे हैं हम, और ये बिल्कुल थोड़ा से मान के चलिए उठा कर रखे हैं, ठीक है, मिरर को। तो गए पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। देखिए अब डोर हैंडल हमारा शो करने लगा है, मतलब कि उस वाला दीवार से टच होने वाला है, छोटा वाला दीवार से, ठीक है, ये छोटा वाला दीवार से। ये तो ये काफ़ी नीचे है, तो नीचे है तो जब हमको करना है तो क्या करेंगे, बिल्कुल हम धीरे धीरे पीछे करेंगे और डोर हैंडल का जो देखेंगे ये वाला पोजिशन यहाँ पर टच होने लगा है बिल्कुल, ठीक है, तब हम गाड़ी को रोक देंगे। देखिए इससे ज़्यादा वो चीज़ निकलना नहीं चाहिए, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा वो नहीं निकल रहा है। तो एक बार आपको उतर के दिखाते हैं हम, देखिए बिल्कुल सही है अभी। तो चलिए अब हर एक जगह पे देखते हैं हम, अलग अलग जगह पे जाके देखते हैं। जब बिल्कुल पीछे दीवार रहेगा बड़ा सा दीवार, तो उस जगह पे क्या करना है वो जगह पे जाके देखते हैं हम। तो सपोज डेट कि हमको यहाँ पार्क करना है गाड़ी को अपना, तो हम कैसे करेंगे, अब मेरे को यहाँ पे लेफ्ट वाला बिल्कुल देखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, बिल्कुल गाड़ी को थोड़ा से ये वाला पोजीशन पे ले आएंगे हम, ठीक है, और हल्का से क्या करेंगे हम स्टीयरिंग को बिल्कुल राइट की ओर काट लेंगे। ठीक है, राइट की ओर काटे तो हमारे क्या हुआ, ये वाला जो पोजिशन है उस वाला पिलर से दिखने लगा, तो उस वाला जब पिलर गायब होने लगेगा तब आपको गाड़ी को रोक देना है, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल बैक गियर डालना है और बिल्कुल पीछे की ओर करना है, ठीक है, और पूरा स्टीयरिंग को लेफ्ट की ओर कर देना है, और ये वाला मिरर को देखना है, ठीक है। देखिए इस वाला मिरर में ये वाला पिलर नहीं दिखाई दे रहा, वो वाला पिलर दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे हम, पीछे जाएंगे हम, ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे अभी कर रहे हैं हम, और यहाँ से आपको समझ नहीं आएगा, काफ़ी सारा पिलर होता है, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इस वाला मिरर से अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो बिल्कुल हाथ यहाँ पर रखिए इस तरह से और पीछे की ओर देखिए इस तरह से। देखिए इसीलिए हम बताए थे कि हर बार आपको वो चीज़ जज नहीं करना है, वो चीज़ से आपको जज नहीं करना, ठीक है, हर बार का अलग अलग एंगल होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, बिल्कुल यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए देखें अब क्या हुआ,
कि अगर हम इधर कट कर रहे हैं तो ये वाला पिलर जो है बिल्कुल टच होने का संभावना है। तो यहाँ हम किए ये, ठीक है। अब मेरे को लग रहा है कि वो टच हो जाएगा, तो हल्का से गाड़ी को आगे कर रहे हैं हम, राइट करके। राइट कर लिए तो बिल्कुल सीधा हो गया गाड़ी, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल सीधा हो गया, आराम से हम पीछे की ओर यहाँ भी देखेंगे और पीछे की ओर भी देखेंगे, ठीक है। और आपका अगर स्क्रीन में लगा हुआ है तो आपके लिए तो गुड एंड बेटर, काफ़ी अच्छा आपके लिए। यहाँ से देख रहे हैं कि पीछे कुछ ही होना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से भी साफ साफ दिख रहा है कि पीछे कुछ भी ऐसा सामान नहीं है जिससे हमारा कार जो है टच हो जाएगा। और यहाँ से हम कैमरा से देख ही रहे हैं कि बिल्कुल पीछे का जो ग्राउंड है बिल्कुल क्लियर है अभी, तो आराम से यहाँ पे कार को हम पीछे की ओर कर सकते हैं। तो हमारा कार जो है बिल्कुल यहाँ पे सुरक्षित तरीके से पार्क हो गया। तो ये तो रहा दोस्तों पार्किंग का तरीका। चलिए आप गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से निकालते हैं और फिर से हम कहीं दूसरा जगह चलते हैं। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बिल्कुल आपका कार जो है बिल्कुल दूसरा टियागो है और बिल्कुल आप न्यू जगह में हैं, तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि अभी हम फिलहाल पुणे में हैं, ठीक है। पुणे शहर महाराष्ट्र में है। तो चलिए यहाँ पे एक सीधा सा दीवार दिखाई दे रहा है, ये वाला दीवार, ठीक है। तो इस दीवार पर कैसे हम जज करेंगे, पीछे साइड, बैक साइड सॉरी। यहाँ पर गाड़ी को सबसे पहले हम सीधा करने की कोशिश करेंगे जनरेटर के साइड, और ये किए हम, ठीक है। देखिए अब आपको लगेगा सर पीछे वाला डोर हैंडल दिखाई दे रहा है, वो चीज़ आपको नहीं जज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले गाड़ी को पीछे थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं हम। बिल्कुल सीधा हो गया दीवार के साइड, कार हमारा दीवार से सीधा करना है हमको, बस ये हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये डोर जो हैंडल है ये वाला टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि देखिए यहाँ से आपको पता चल रहा है कि काफ़ी जगह पीछे बचा हुआ है, और यहाँ से देख रहे हैं तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि वो वाला डोर हैंडल दिखाई दे रहा है लेकिन पीछे वाला डोर हैंडल को आपको नहीं देखना है, ठीक है। सिर्फ ये वाला जो डोर हैंडल है यहाँ वाला सामने वाला, उस डोर हैंडल को देखना है। ये टच हो जाएगा जैसे दीवार से, वैसे ही आपको गाड़ी को रोक देना है। तो क्या करेंगे हम गाड़ी को सबसे पहले धीरे धीरे पीछे करेंगे, पीछे करेंगे। अब देखिए यहाँ से आप बैठे हुए हैं और हमको लग रहा है कि डोर हैंडल आप टच होने वाला है, ठीक है। ये टच हो गया दीवार से, वो डोर हैंडल का पिछला हिस्सा टच होने लगा, ठीक है। तो बिल्कुल हमारा गाड़ी जो है बिल्कुल अब टच हो गया होगा, एकदम हल्का सा, मतलब बोले ना दो उंगली या तीन उंगली का जगह पे गाड़ी दीवार से चिपका होगा, तो देख सकते हैं, समझ गए। क्योंकि हालांकि यहाँ दीवार भी हल्का तिरछा है जिसके कारण यहाँ से आपको जज नहीं कर पाए अच्छी तरह से। हम फिर से थोड़ा सा गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और पीछे करते हैं, ठीक है। अब देखिए देखिए दीवार से डोर हैंडल टच होने लगा है, तो क्या करेंगे हम स्लोली करेंगे गाड़ी को, बिल्कुल स्लोली। देखिए स्लोली किए, मतलब यहाँ पे आपका क्या पॉइंट, यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है दोस्तों कि वहाँ तो छोटा दीवार था ना, जहाँ पे वो लोग वीडियो में दिखाए थे वो छोटा दीवार था जिसके कारण हमको ये वाला पोजिशन पार नहीं होना चाहिए थे, क्योंकि वो उसका नीचे वाला पार्ट हम देख रहे थे, दीवार का नीचे वाला पार्ट देख रहे थे, ठीक है। लेकिन ये दीवार काफ़ी ऊँचा है तो हम क्या करेंगे डोर हैंडल का सिर्फ पिछला हिस्सा देखेंगे, मतलब साफ साफ आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये डोर हैंडल जो है मतलब पीछे पिछला वाला हिस्सा, ये वाला कि ये वाला अगर टच होने लगा, आपको दीवार से लग रहा है कि टच हो रहा है, तो बिल्कुल गाड़ी को रोक दीजिए, वहाँ पे आपको सुरक्षित स्पेस है मतलब। तो अभी आपको दिखाते हैं हम, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी अभी जगह बचा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। या करुणेश कौशल, करुणेश कौशल ना, या वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया, चलिए अब आपको पार्किंग करके दिखाते हैं आप कौन सा जगह पे लेके जाए हम। कभी कभी क्या होता है पीछे ढलान रहता है तो ऐसी जगह पे क्या करना है,
यहाँ पे पीछे ढलान है, अब यहाँ से जज कैसे करना है। ठीक है, देखिए अब मेरे को उस दीवार से, पिछला जो दीवार है वहाँ से मेरे को गाड़ी को राइट लेना है। तो यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पिलर है, ठीक है, 1 2 3, और यहाँ से मेरे को सिर्फ लास्ट वाला पिलर दिखाई दे रहा है। तो कभी कभी क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको इस प्रकार से भी देखना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी मिरर से आप देखिएगा। इसी मिरर से आप देखिएगा दोस्तों तो हमेशा आप कन्फ्यूजन हो जाइएगा, ठीक है। इसलिए जब भी गाड़ी को आप बैक कीजिएगा तो सबसे पहला तो आपको ये जो मिरर है वो मिरर से आपको ये चीज़ देखना है कि कार का नीचे हिस्सा में कुछ ही होना नहीं चाहिए। जैसे एक देख सकते हैं छोटा सा लकड़ी दिखाई दे रहा है वहाँ पर, देख सकते हैं लकड़ी नहीं है सॉरी, यहाँ से लकड़ी दिखाई दे लग रहा था, बट वो जो है ढक्कन है वो, ठीक है। तो हम यहाँ से इस प्रकार से देखेंगे पीछे की ओर, ठीक है, इधर से भी देखेंगे और यहाँ से हम पीछे ले जाएंगे इस तरह से, यहाँ से उनको दिखाई दे रहा है, ठीक है। दीवार के सामने जब नज़दीक आ गए हम तो यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ से गाड़ी को हम राइट की ओर टर्न कर दें, देखिए अब टच हो रहा है वहाँ पर, तो स्टीयरिंग को क्या करेंगे फिर से हम हल्का सा लेफ्ट ले लिए, जिससे हमारी गाड़ी लेफ्ट की ओर जाएगा। अब फिर से हम यहाँ से स्टीयरिंग को बिल्कुल राइट की ओर लिए और यहाँ पे घुमा लिए, इधर भी देखना, ठीक है। देखिए आ गए, अब पीछे फिर एक पिलर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बिल्कुल यहाँ पे सीधा नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, आपको लग रहा होगा ये पिलर देखने के बाद वो पिलर बिल्कुल सीधा था, लेकिन हल्का से इधर है। क्या करेंगे हम यहाँ से फिर से हल्का से लेफ्ट लेंगे और यहाँ पे देखिए एक ढलान सा है, ठीक है, ढलान सा है, बिल्कुल ढलान के जगह पे हम गाड़ी को ले जाएंगे, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पे हाफ क्लच छोड़ना है और ब्रेक को दबा के रखना है, ठीक है, और यहाँ पे मिरर को अब ऊपर करना पड़ेगा। देखिए आगे धीरे धीरे पीछे हम, अब देखिए अब अगर आप हर बार तो ये चीज़ आप नहीं देखिएगा इसी से जजने की जगह, तो आप इस चीज़ से भी जज कर सकते हैं। बिल्कुल आपका टायर दिखना चाहिए वहाँ पे, टायर दिख रहा है, अब बम्पर दिख रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, हल्का हल्का पीछे जाएंगे गाड़ी को लेके जाएंगे, और देखिए अब मेरे को लग रहा है कि वो चीज़ टच होने वाला है। तो बस टायर के पीछे देख सकते हैं हल्का सा आपको जगह दिखाई दे रहा होगा, जिसे आपको समझ जाना है कि अब हमारा कार जो है बिल्कुल टच हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, गाड़ी को रोक देंगे और आपको दिखाते हैं हम कितना जगह बचा होगा, इतना थोड़ा जगह बचा होगा। तो देख सकते हैं बिल्कुल सेफ जगह अभी हम खड़ा कर दिए गाड़ी को। तो यही था दोस्तों एक छोटा सा वीडियो, जिससे कि आप लोग अच्छी तरह से समझा पाए हम कि किस तरह से आपको बैक साइड का जजमेंट करना है। तो एक बार फिर से हम यहाँ पे कार को पार्किंग करते हैं इस जगह पे, सॉरी एक कार आ रहा है उसको जाने देते हैं पहले। अब मेरा कार जो है यहाँ पे हमको पार्क करना है, साइकिल भी है, साइकिल का हैंडल भी है वहाँ पर, ठीक है। तो कभी भी पार्क कीजिएगा तो एक बार बिल्कुल इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जगह जो है क्लियर है, ठीक है। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि अब उस जगह पे तो बिल्कुल क्लियर है, सिर्फ हमको लेफ्ट और राइट हल्का हल्का देखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम फिर से लेफ्ट साइड वाला तो आपको दिखाए थे हम, तो क्या करते हैं ना राइट साइड से आपको दिखाते हैं एक बार हम राइट साइड से पार्क कैसे करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम गाड़ी को घुमा लीजिए थोड़ा सा, अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार से कर रहे हैं, वो दीवार लग रहा है कि टच हो जाएगा, यहाँ से देख रहे हैं पूरा टायर, बस रोक देना यहाँ पे, यहाँ से बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है टायर आपका, ठीक है। टायर दिखने के बाद इतना थोड़ा आपको जगह दिखना चाहिए, तब आपको गाड़ी को रोक देना है। अब देखिए हम यहाँ पार्किंग के अंदर कर दिए गाड़ी को, अब यहाँ से पार्किंग से गाड़ी को हमको निकालना कैसे है, तो क्या करेंगे दोस्तों हम बैक गियर डालेंगे। सबसे पहले हम ये वाला जो पिलर है, इस वाला पिलर के नज़दीक ले जाएंगे, मतलब ज़्यादा नज़दीक नहीं, बिल्कुल हल्का सा इतना जगह रहना चाहिए, ठीक है।
और ये जब भी स्टेरिंग को राइट की ओर काटिएगा तो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ज्यादा अगर काटिएगा तो वो वाला पेयर से आपका फेंडर जो है टच हो सकता है, तो वो चीज को संभालते हुए। तो यहाँ पे ले गए हम पिलर के नजदीक में, ठीक है। अब जब नजदीक ले गए हैं बिल्कुल राइट साइड ले जाने से क्या होगा दोस्तों, ज्यादा राइट साइड को आप गाड़ी को रखिएगा तो क्या होगा कि आपका इधर जो है जगह काफी ज्यादा बच जाएगा। जब आप स्टेरिंग को फिर से जब पूरा स्टेरिंग को राइट कीजिएगा और निकालिएगा तो वो वाला पिलर से आपका लेफ्ट साइड का जो फेंडर है वो टच नहीं होगा, इसलिए हम थोड़ा सा इधर रखते हैं, ठीक है। राइट साइड यहाँ से निकाल लिए ऐसे करके, देखिए बिल्कुल पिलर आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, पता नहीं कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या किया बिल्कुल राइट की ओर, ये वाला सीट मेरे को देखना है मेरे को, ठीक है। ये वाला पोजीशन देखना है पीछे वाला, और वो वाला पोजीशन देखना पड़ेगा कि इधर टच, जैसे कार आप इधर कीजिएगा ना तो वो वाला पिलर से टच हो सकता है फेंडर आपका, इसलिए हम यहाँ ज़्यादा ध्यान देंगे। और जितना टच करके लाइएगा उतना आपका इधर से आप अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। देखिए एक बार में निकल गया, ठीक है, यहाँ तो लेफ्ट साइड में काफ़ी अच्छा जगह बचा हुआ है। तो चलिए अब आपको हम ये होंडा सिटी जो है उसका ये वाला पार्क में हमको गाड़ी को डालना है, तो राइट साइड से कैसे हम जज कर पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको बिल्कुल अपने साइड पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको राइट साइड पर लेके जाना है गाड़ी को, और जैसे ही आप ये वाला पिलर यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला पोजीशन जो है बिल्कुल पार हो जाएगा, उसके बाद गाड़ी को आप हल्का सा लेफ्ट लीजिए और हल्का हल्का आगे कीजिए, ठीक है। वो वाला देखिए पीछे वाला डोर हैंडल है दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वहाँ टच हो जाएगा पिलर से, ठीक है, मतलब बिल्कुल गाड़ी को तिरछा कर देना है। अब यहाँ से स्टेरिंग को फिर से पूरा राइट लीजिए, और यहाँ पर सिर्फ राइट लेने से काम नहीं चलेगा, बार बार आपको जज करना पड़ेगा, कभी लेफ्ट भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बिल्कुल हम लेफ्ट ले रहे हैं, सॉरी राइट के स्टेरिंग पूरा फुल काटे हुए हैं। अब यहाँ से हम अंदर कर रहे हैं गाड़ी को, देखिए इस प्रकार से। अब वहाँ वाला पिलर देखना है, बिल्कुल वहाँ वाला पिलर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, मतलब हमारा कार जो है अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से लग रहा है कि ज़्यादा अंदर वो वाला पिलर के अंदर भी वो घुस रहा है, गाड़ी अंदर जा रहा है, तो क्या करेंगे हल्का से फिर से गाड़ी को हम आगे की ओर ले लेंगे और सीधा कर लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब फिर से हम गाड़ी को जो है बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पीछे करेंगे, चारों ओर ध्यान देना है, एक ड्राइवर के नज़र चारों ओर रहना चाहिए गाड़ी का, ठीक है, तभी आप सक्सेस हो पाइएगा। चलिए यहाँ पे हल्का चढ़ाया तो क्या करेंगे, हल्का से ज़्यादा क्लच लेंगे और ज़्यादा रेस लेंगे, मतलब सॉरी हाफ क्लच लेंगे और ज़्यादा रेस लेंगे, फिर से गाड़ी जब उड़ जाएगा तो तुरंत हम क्लच को दबा के ब्रेक दबा देंगे, ठीक है। देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से हम गाड़ी को पार कर दिया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।